बच्चों, ये जो अपना लेसन चल रहा है ना, लेसन 10, नए साम्राज्य, नए शहर, नए राज्य जो है, तो इसमें हम अब अगला जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसमें राज्यों का प्रशासन, मतलब राज्यों का कार्य कैसे चलता था, वहां जो राजा हुआ करते थे अपने कैसे साम्राज्य चलाते थे, उसके लिए पैसा कहाँ से आता था, क्या तरीका होता था, कौन प्रशासन को संभालता था, हेड तो आपको पता ही मुखिया राजा होता था, पर राजा के साथ और कौन लोग थे, क्या जरिया था। तो बच्चे एक आपने लिखा होगा टैक्स कर, तो भूमि कर तो यहाँ पे जो है वो लिया जाता था, जिसके जरिए जो आमदनी होती थी वो फिर राजा अपने उसमें राजकोष में भी जमा होता था, राजा जो है उसको निर्माण कार्यों में राजा के जनता के लिए कार्य करता था। उस समय अगर हम बात करते हैं प्रशासन की, सबसे शुरुआती जैसे अपने आने होते सबसे पहले छोटे गांव होते हैं, ठीक है, फिर गांव से बड़े जो क्षेत्र होते हैं, उसके बाद फिर शहर से फिर जैसे हम कहते हैं जिले होते हैं, फिर राज्य होते हैं, फिर प्रदेश है इस तरह से। तो यहाँ पे सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो गांव, ग्राम जिसको पहन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है, सैन्य शक्ति, ये सब चाहिए राजा को, इन सबका समर्थन चाहिए। तो इसके लिए क्या क्या वहां पे कार्य किए जाते थे, क्या क्या कदम उठाए जाते थे, तो यहाँ पर है, एक तो देखो एक पद होता है कि उस समय ये पद अनुवांशिक हुआ करते थे, मतलब एक के बाद एक, जैसे मान लो राजा है तो उसके बाद उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसे और भी पद होते थे। जैसे हमने शुरुआत के अध्याय में जिक्र किया था कि समुद्रगुप्त के इसमें उसका जो कवि था हरिशयन, तो कवि तो था वो, तो उसकी रुचि थी कि कविताएं लिखता था या जो उसमें लेखन में उसकी रुचि थी, पर इसके साथ साथ उसके जो पिता थे वो वहां पे एक मुख्य न्यायिक अधिकारी थे जिसको महादंड न्याय कहा जाता है। तो उनके बाद हरिशयन ने भी वह पद पाया, मतलब पद अनुवांशिक हो गया क्योंकि पिता के पास ये पद था, तो उसके बाद इनको भी ये पद जो था वो मिला। तो एक तो ये स्थिति हो गई। दूसरी स्थिति थी कि एक ही व्यक्ति कई पदों पर भी काम कर सकता था, तो हम यही बाद में हरिशयन का ये जिक्र करेंगे कि महादंड न्याय तो थे ये मुख्य न्यायिक अधिकारी जिसको कहते हैं राज्य का, पर इसके साथ साथ यहाँ पे एक पद आता है कुमारामात्य, मतलब एक महत्वपूर्ण मंत्री, राजा का जो महत्वपूर्ण मंत्री होता है ना, जो राजा को सलाह देते हैं, करते हैं, राजा का जो दरबार होता है उसमें उनके साथ में होते हैं, वो भी था वो, ठीक है। इसके साथ साथ एक नाम आ रहा है संधि विग्रहिक, मतलब आपने देखा होगा राजाओं के युद्ध भी हुआ करते थे, तो राजा किसी पड़ोसी से युद्ध भी कर रहा है या किसी से संधि भी हो रही है, तो युद्ध के समय में, शांति के समय में इसके बारे में जो जानकारी रखता है उसका जो मंत्री है वो संधि ये कहलाता है विग्रहिक। ये भी पद किसके पास था, हरिशयन के पास में था। तो कहने का तात्पर्य कि एक तो अनुवांशिक पद हो गया और एक हो गया एक ही पद पे जो है, मतलब एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य कर रहा है। अब यहाँ पे कुछ और भी पद थे, कुछ और भी लोग थे जो नगर के या साम्राज्य के प्रमुख व्यक्ति माने जाते थे, जैसे नगर श्रेष्ठी, श्रेष्ठ का मतलब आपको पता है नगर श्रेष्ठी, ठीक है। जैसे अपने आप ही कहते हैं अपन बैंक है, मुख्य बैंकर जो, तो उस समय वहां के जो मुख्य बैंकर होते थे या शहर का जो बड़ा व्यापारी हुआ करता था वो नगर के प्रमुख माने जाते थे शहर। फिर सातवा, ये शब्द है वहां पर अपने बुक में भी देखिएगा, सातवा जो है ये व्यापारी जब एक जगह से दूसरे जगह जाते थे तो ये कई बार उनका पूरा काफिला जाता था, मतलब पूरे कई लोग जाते थे, उस काफिले का नेता भी हुआ करता था, क्योंकि कई बार ये व्यापारी लोग जो है अपने क्षेत्र में भी काम करें, कई बार ये समुद्र पार करके दूसरी जगह भी जा रहे हैं, ठीक है, या कहीं दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तो उनका जो मुखिया होता था वो उनका नेता कहलाता था। फिर आता था प्रथम कुलिक, ये जो काम करते हैं शिल्पकार जो होते हैं, शिल्प का काम करते हैं वो प्रथम कुलिक माने जाते थे। और एक था कायस्थ, कायस्थ बोले ये जो लिपिक, लिपि करते हैं, लिपिक जो होते हैं उनका प्रधान जो होता था वो कायस्थ कहलाता था। तो कई तो क्या थे इसमें व्यक्ति, अब प्रमुख पदों पर थे तो कई तो व्यक्ति के इनके पास पावर बहुत ज्यादा होती थी, ये शक्तिशाली होते थे कि कई बार ये अपना खुद का स्वतंत्र राज्य भी जो है वो बना लेते थे, इतने इनके पास पावर यहाँ पर आ जाती थी, स्थापित कर लेते थे। अब इनके पास अगर अपन बात करें, राजा के पास तो सेना तो है, अब सेना में देखो सबसे पहले अगर अपन देखते हैं तो पैदल सिपाही होते हैं, फिर इनके पास घोड़सवार भी होते हैं, हाथी भी होते हैं, रथ भी होते हैं, ठीक है, और कहीं कहीं कुछ राज्यों के पास नौसेना भी होती है, अगर उसके राज्य की सीमाएं समुद्र से लगती हैं तो उनके पास नौसेनाएं भी हुआ करती। ये पूर्व जो है उसमें जो है राजा यहाँ पर सेना नायक को रखा करता था, सेना नायक ना जो सब सेना जो होती थी उसका प्रमुख जो होता है सेना नायक। अब ये सेना नायक जो है ये राजा को सैन्य सहायता देता था, राजा को अगर कहीं जाना युद्ध में तो अपने सेनापति को बुलाता था,
और सेनापति को कुछ करने का ऑर्डर देता था, कुछ करना है, अब धावा बोलना है, आक्रमण करना है, तो सेना इसके इशारों पर चलती थी, क्योंकि सैनिक जो है अपने सेनापति के जो है निर्देशों को मानते हैं और सेनापति राजा के निर्देशों को मानता है, तो इस प्रकार से लोग कार्य करते थे। अभी जो सैनिक सहायता देता था राजा को, तो इसको इसके बदले में क्या मिलता था? तो कहीं कहीं तो वेतन देने की बात आ रही है, जैसे तनख्वाह देते हैं ऐसे, कहीं के वेतन नहीं मिलता था नकदी, तो उनको कुछ उसके रूप में राजा प्रसन्न होकर के जैसे भूमि दान कर दिया जाता था कि भाई जमीन का टुकड़ा है तुम्हारा। तो फिर सैनिक क्या, ये जो सेनानायक क्या करता था, उस भूमि के जरिए क्या करता था यहाँ पर कि भूमि दान है तो भूमि से वो जैसे टैक्स वसूलना। अब मान लो एक बड़ा लंबा चौड़ा एरिया वहां पर लोग रह रहे हैं, मान लीजिए भूमि उसकी हो गई, तो वहां पर रहने वाले लोगों से क्या है टैक्स वसूला करता था, या कुछ और जरिया उसका अगर होता है तो मान लीजिए उसके पास ये पैसा आ रहा है कर का, तो इससे वो अपनी सेना की देखभाल करता था। सेना में जो जितने जानवर होते हैं उनकी भी देखभाल करनी पड़ती है, इतनी बड़ी मात्रा में सेना के जो होते हैं घोड़े भी होते हैं हाथी भी होते हैं, तो उनके भी खान पान की व्यवस्था करना, ये सब करना बहुत बड़ा काम होता है। तो ये कर का जो पैसा आता था उससे अपनी सेना घोड़ों की देखभाल जो है वो करता था। इसके साथ साथ हथियारों का भी, हथियार टूट भी जाते हैं युद्ध में, उनकी मरम्मत करवाना, नए हथियार बनवाना, तो ये हथियार जुटाना ये भी कार्य बहुत, तो ये सब कैसे करता था, ये सेनानायक यहाँ पर करता था। तो एक तरह से क्या है कि बच्चों ये सामंत भी कहलाते थे, सामंत है, और कभी कभी ये सामंत राजा से शक्तिशाली हो जाते थे, क्योंकि बहुत बड़ी पावर इनके पास, सेना इनके पास है। तो कई बार क्या आते थे कि कई क्षेत्र में अगर राजा कमजोर है दुर्बल है तो ये वहां पे खुद राजा भी बन जाते थे, या शासन अपना खुद का वो जो है वो मतलब स्वतंत्र होने का प्रयास भी करते थे कहीं कहीं वो। और कई बार वो राजा से शक्तियां मिली हुई उनको तो उसका दुरुपयोग भी करते थे, राजा को पता भी नहीं चलता था, ये कई बार अनाप शनाप जो है कर जनता से वसूल लिया करते थे, और फिर ये स्वतंत्र होने का प्रयास भी करते थे कि हम अपने अलग स्वतंत्र बना ले स्थित। तो यहाँ पर हम बात करते हैं अगली कि दक्षिणी राज्य जो है, दक्षिण भारत जो है यहाँ पर जो सभाएं हुआ करती थी, ठीक है। तो अधिकतर सभाओं में धनी शक्तिशाली भूस्वामी, ठीक है, जो लोग हुआ करते थे, है ना, यहाँ पर ये दक्षिण भारतों में जो सभाएं होती थी उसके प्रमुख जो होते थे बहुत धनी प्रभावशाली व्यक्ति जो है वो हुआ करते थे। तो जैसे यहाँ पर अपन कुछ जिक्र करेंगे, सभा एक होती थी सभा जो ब्राह्मण वर्ग हुआ करता था, उनका एक शक्तिशाली जो संगठन होता था भूस्वामियों का, वो सभा कहलाता था, ठीक है। और ये जो सभा के लोग हैं, ये इनकी जो इससे छोटी उप समितियां जो हुआ करती थी, इनके द्वारा ये सिंचाई का काम है, खेती से संबंधित कोई काम है, सड़क निर्माण का कोई काम है, या अलग कोई मंदिर निर्माण का कार्य, ऐसे कुछ कार्य जो है अपने समितियों के साथ मिलकर के करते थे। सड़क निर्माण करना है, मंदिर की देखरेख करना है, ऐसे जहां पे ब्राह्मण नहीं हुआ करते थे प्रमुख, वहां पे उर नाम की सभाओं का जिक्र भी आया है। सभा तो एक है ब्राह्मणों की, और जहां पे ब्राह्मण नहीं हुआ करते वहां पे उर नामक एक सभा का जिक्र यहाँ पर आता है। तो ये वहां की ग्राम सभा होती थी, और जो है उस गांव की ग्राम सभा होती थी। फिर नगरम का जिक्र भी है, नगरम है ना, नगरों में व्यापारियों का जो संगठन हुआ करता था वो नगरम कहलाता था। और ये जो सभाएं हैं इनका जिक्र ऐसा था कि उन्होंने शताब्दियों तक कार्य किया, बहुत लंबे समय तक इनका जिक्र आया कि बहुत लंबे समय तक इनकी कार्य यहाँ पर जो है चला करते थे। तो ये हमने अभी पढ़ा, अगले इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों के नए लोग नए कैसे कार्य करते थे, नए जो आम जनता होती थी उनके क्या कार्य थे, या इनका जिक्र कहाँ हुआ है, कहीं कहीं किसी नाटकों में इनका जिक्र हुआ है, जैसे आपने कालिदास के विज्ञान शकुंतला पढ़ी होगी, या आपने राजा दुष्यंत शकुंतला की कहानी अगर आपने पढ़ी हो जिनका बेटा भरत था, तो उसकी चर्चा अपन अभी अगले वाले लेक्चर में करेंगे।